अभी तक इस बाइक के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं जब सर्विस सेंटर जाता हूँ इस बाइक को लेकर, काफ़ी बार गया हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ सर्विस की वजह से, लेकिन कुछ इश्यूज भी आए हैं बाइक के अंदर। तो मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना कैसा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने इस बाइक को तब परचेज किया था जब TVS ने फर्स्ट टाइम इस बाइक को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, और राजस्थान की पहली बाइक थी जो मेरे पास आई थी, जो मैंने परचेज की थी। आज के टाइम में इस बाइक को 1 साल और लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था, उस टाइम से आज तक मैंने इस बाइक को लगभग 19,000 के आसपास चला लिया है। ये थोड़ी सी सेडान है, इसका नाम है साहिबा, और अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास आई, लगभग 1 महीना हो गया हमारे पास आई इसको, और पूरी उम्र की बात करें तो 2 महीने की है। बीच में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आज यार, अगर इसे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, ये इसका मन लगता नहीं मेरे बिना, तो इस वजह से बार बार यहीं पर चक्कर काटे जा रही है और खेलने का मन है अभी इसका। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेरा जो 1 साल और 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है ना वो कैसा रहा इस बाइक के साथ। डिटेल से एक एक पॉइंट्स के साथ बात करूंगा कि क्या कुछ कैसा था बाइक का, एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ शुरू करते हैं इस वीडियो में यहाँ से, साथ ही बताना चाहूँगा हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाइक की डिज़ाइन और लुक्स के बारे में। यहाँ पर आपको सेटअप तो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है भैया, LED डियरल आपको देखने को मिल जाती है, LED हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर है, लेकिन भैया जिस प्राइस टैग में आती है ना आप शिकायत नहीं कर सकते, TVS से बहुत ही कुछ ऑफर करती है भैया बाइक। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि ये सब सेटअप बहुत ही अच्छा है, डिज़ाइन वाइज बहुत ही खूबसूरत लगती है बाइक। टेल सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको टेल लाइट भी LED देखने को मिल जाती है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, देखने बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को टेल लाइट का डिज़ाइन इतना पसंद नहीं आया, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल पीस क्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी काम आता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है यूज़ के हिसाब से। साइड में से देखने पर भी बाइक बहुत ही स्पोर्टी लगती है देखने में, और ऐसा नहीं लगता है कि ये 1 लाख रुपए के आसपास में एक्सोरूम प्राइस पर आती है। जब मैंने इस बाइक को परचेज किया था उस टाइम इसकी एक्सोरूम प्राइस 1 लाख के आसपास ही थी, अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं, अभी कुछ बढ़ भी गया होगा उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, कुछ बढ़ा होगा तो 2,000-5,000 रुपये मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं क्या अच्छा नहीं लगा इस चीज़ में मुझे। यहाँ पर सिर्फ मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, वो है कि जो इसकी हाई बीम है ना वो इतनी पावरफुल नहीं लगी है, वो रात को इतनी अच्छी विजिबिलिटी या फिर लाइट्स नहीं दे पाती है। जो लो बीम है वो काफ़ी सही है, यहाँ से लो बीम पर कोई शिकायत नहीं है, दिखने में बहुत ही बढ़िया ये सब चीज़ें और बहुत ही प्यारी भी लगती है, लेकिन हाई बीम को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए भैया, तो वो ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़ ये है कि भैया सस्पेंशन वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले बताया कॉन्फिडेंस काफ़ी सही रहता है, 125cc की बाइक के अंदर लगभग 80-85-90 तक मैं इस बाइक को चला लेता हूँ, बहुत ही तगड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, और ना ही कुछ ऐसा डर लगता है कि यार बाइक अनबैलेंस हो जाएगी, कोई छोटे मोटे पोर्टहोल्स आ जाते हैं, खड्डे आ जाते हैं, वहाँ से भी बाइक आराम से निकल जाती है। रियर में आपको मोनोशॉक एजरो मिल जाता है, ये आज तक भी बहुत ही सही काम करता है, बहुत ही परफेक्ट, और मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं स्मूथर साइड है, सस्पेंशन थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बोल सकता लेकिन थोड़े सॉफ्ट ही है। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक दिक्कत आ रही कि ये वाला जो सस्पेंशन है ना ये हल्का सा लीक करने लग गया है। मेरी बाइक चल गई लगभग 18,900 किलोमीटर, मैं आपको दिखा देता हूँ, 18,897, तो यहाँ पर 19,000 के आसपास कुछ चल गई है बाइक, और अभी ये वाला सस्पेंशन हल्का सा लीक होने लग गया है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो अभी मैं सस्पेंशन को क्या है क्लीन कर देता हूँ, जैसे मुझे कुछ काला काला दिखता है ना, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती और उसमें मुझे दिक्कत आती है, अगर आप सस्पेंशन को क्लीन नहीं करोगे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी कुछ दिनों से दिक्कत आ रही है, मैं आपको अगर प्रूफ दिखाना चाहूँ तो देखो, अगर मैं इस पर हाथ लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं उस पर हाथ लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, लेकिन इस पर देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क है। इसको तो मैंने क्लीन करता रहता हूँ, इस वजह से ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला सस्पेंशन लीक होने लग गया है। अभी इस बाइक के ब्रेक्स की बात करते हैं, बाइक के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और रियर के अंदर आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक दिया जाता है, ABS का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, और ABS के बारे में शिकायत भी आप नहीं कर सकते हो। मुझे अगर रियर ब्रेक को दबाना होता है ना तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगती है ब्रेकिंग, और कॉन्फिडेंस भी आता है, मज़ा आता है, मतलब अपना रियर ब्रेक लग जाता है, और उसके अलावा 30% ब्रेक अपने फ्रंट में लग जाते हैं, 30-40% जो भी लगता है। लेकिन एक छोटी सी शिकायत ये है कि जब फ्रंट ब्रेक को मैं दबाता हूँ, शुरुआत में बाइक नई थी तब बहुत ही बढ़िया थे, स्मूथ थे, इसको दबाते थे ना फील आता था, बहुत ही स्मूथ लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड सा हो गया है, इसको जैसे दबाता हूँ ना तो शुरुआत में इतने ज़्यादा ब्रेक अप्लाई होते नहीं है, इतना ज़्यादा फील नहीं होता है कि बाइक रुक जाएगी, लेकिन जब और ज़्यादा दबाता हूँ तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक लग जाते हैं, और फिर स्किड होने के चांसेस बन जाते हैं, और फिर हल्का सा भी अगर मैं यहाँ पर लापरवाही कर जाता हूँ ना तो ये स्किड हो जाता है फ्रंट ब्रेक। तो ये वाला जो फील है ना, ब्रेक का जो फील है फ्रंट वाले का, वो आज के टाइम में इतना अच्छा नहीं लगता है, पहले बहुत ही बढ़िया लगता था। तो ये एक छोटी सी शिकायत है। अभी एक बार बाइक की सीट की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो देखो इस बाइक की जो सीट है ना मुझे आज भी बहुत ही प्यारी लगती है, मैंने आज तक इस बाइक के सीट के ऊपर कोई कवर नहीं लगाया, उसका रीज़न यही है कि इसका जो फील है ना, जितने कंफर्ट है, जितनी सॉफ्ट है सीट, वो फील नहीं मिल पाएगा फिर। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, माइलेज की बात अपन आगे करेंगे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मुझे पता है क्या लगा, मैं फ्यूल टैंक के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। मोस्टली बाइक में आपने देखा होगा पूरे प्लास्टिक के पैनल्स आते हैं, इसके अंदर भी पूरा प्लास्टिक का पैनल है, अंदर टैंक दिया गया है।
ये जो पैनल्स है ना, यहाँ पर जैसे अपन बैठते हैं तो काफ़ी सारी बाइकों में यहाँ पर स्क्रैच पड़ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। प्लास्टिक पैनल हो या फिर मेटल का टैंक आता है उनके अंदर भी स्क्रैच पड़ जाते हैं, कुछ भी सामान लेकर आते हैं या फिर कुछ भी ऐसे भी नॉर्मल पड़ ही जाते हैं स्क्रैच। लेकिन यहाँ पर इस बाइक के अंदर आज तक एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा है। उसका रीज़न यही है टीवीएस ने बहुत ही स्मार्टली बनाया भैया। यहाँ पर ये जो पैनल्स है ना इनके ऊपर स्क्रैच जल्दी आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आती है। ये थोड़ा सा रफ टाइप का पैनल है, ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अब इस बाइक के इंजन की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है और ये 3 वाल्व इंजन है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इसमें जो ऑयल कूलिंग का सिस्टम है ना वो यहाँ पर दिया गया है भैया। आप काफ़ी लोग पूछते हो कमेंट करके ऑयल कूलिंग का इसके अंदर है, वो कभी खोल के दिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में आज तक कोई शिकायत मुझे नहीं आई और मुझे लगता भी नहीं है कि टीवीएस के इंजन से परफॉर्मेंस में कोई शिकायत मुझे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, और खासतौर से इस बाइक से या फिर अपाची से। यहाँ पर अब माइलेज की बात करते हैं। काफ़ी लोगों को शिकायत है कि भैया मीटर में गलत माइलेज दिखाती है और बाइक 40 का माइलेज देती है। लेकिन अभी अगर एक्चुअल तरीके से मैं अपनी बाइक की माइलेज की बात करूँ, ये मीटर गलत दिखा रहा है। 99 अगर आपका मीटर दिखाता है तो वो माइलेज गलत शो कर रहा है मीटर। या अगर आपके मीटर के अंदर बाइक दिखा रही है 50 60 70 के माइलेज 40 के माइलेज एग्जांपल के तौर पे, तो वो माइलेज बिल्कुल सही है। अगर ये गलत हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आप 99 पर चला जाता है। ये बहुत ही सही है, इसको फिर रिसेट कर लो उसके बाद वो सही दिखाने लग जाता है। इसके अलावा मीटर के अंदर एक गियर पोजीशन जो इंडिकेटर है वो गलत दिखाता है, बस इन दो चीज़ के अंदर थोड़ा एरर है। लेकिन बाकी सब चीज़ें बहुत ही सही काम करती है, चाहे वो टाइम हो चाहे इसके अलावा ट्रिप 1 ट्रिप 2। उसके अलावा रेंज, और रेंज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अपनी जो टू व्हीलर होती है ना इनके अंदर रेंज में गड़बड़ होती है। उसका रीज़न ये है कि अपन जब बार बार साइड स्टैंड पे खड़ी करते हैं या फिर बार बार थोड़ा बहुत इधर उधर रोड पे चलती है तो हल्का हल्का झुकती है यार, कभी इस साइड झुक रही है कभी इस साइड झुक रही है। तो उस चक्कर में फ्यूल को बार बार मापना ईसीयू के लिए और बार बार दिखाना कि भैया क्या रेंज है, कितना फ्यूल बचाओ, कितने किलोमीटर चलेगी, तो बार बार जैसे बाइक झुकेगी तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। इस वजह से काफ़ी लोगों को लगता है कि यार रेंज गलत दिखाती है, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैंने नोटिस किया ये ठीक ठाक है। और टू व्हीलर में भैया ऐसी मिलेगी इतनी अफोर्डेबल बाइक के अंदर, आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रेंज डिमांड नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं मुझे सिर्फ 2 ही दिक्कत लगी मीटर के अंदर, एक तो गियर इंडिकेटर वाली और एक माइलेज वाली। बाकी सब चीज़ें बढ़िया काम करती है, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह का मीटर है ना सेगमेंट में और कोई ऑफर करता भी नहीं है भैया। अब तो TFT स्क्रीन आने लग गई राइडर के अंदर। अब बात कर रहे हैं भैया अपनी बाइक की माइलेज के बारे में, जो मैं आपको बताना भूल गया शायद। तो मेरी बाइक सिटी के अंदर लगभग 60 के आसपास माइलेज निकाल देती है भैया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं माइलेज टेस्ट करके दिखा दूंगा, पहले मैंने करके दिखाया। देखो चलाने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। माइलेज अगर आपको अच्छी निकालनी है तो आपको बाइक चलानी है स्मूथली, आपको ज़्यादा हार्ड ड्राइव नहीं करना है, बार बार ट्रैफिक के अंदर ब्रेक लगा रहे हो, रेस दे रहे हो खींचने के, मतलब उसको रेस दे के खींच रहे हो, तो उस चक्कर माइलेज नहीं देगी भैया बाइक। अगर आपको माइलेज निकालनी है तो आपको नॉर्मल स्मूथली चलाना है, तो वहाँ पर ये बाइक मुझे 60+ माइलेज दे देती है। हाँ अगर रफ चलाता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा रेव करता हूँ, तो वहाँ पर भैया 50 तक आ जाती है, 45 भी दे देती है, तो वहाँ इसकी मर्जी है। लेकिन 60+ माइलेज इसकी रहती है, ये बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ अपनी बाइक के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में मैं इस बाइक के अंदर कुछ मोड्स करने वाला हूँ, नॉर्मल मोड्स नहीं रहेंगे। अभी ऐसा नहीं मैंने बाइक के अंदर स्टिकर लगा दिया या फिर कुछ नॉर्मल चीज़ें लगा दी, मैंने बोल दिया मैंने बाइक मॉडिफाई अपनी कर ली है। मैं करने वाला हूँ इस बाइक को और ज़्यादा फास्ट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 125 सीसी बाइक बने। उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा देख रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी मुझे एक सोल्यूशन मिला है जिसके द्वारा मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। हाँ दिखने में भी बाइक को थोड़ी सी डिज़ाइन के अंदर बदलाव करेंगे और फास्ट भी बनाएंगे। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 125 सीसी बाइक मैं बनाऊंगा इस बाइक को, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। उसकी वीडियोस कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है देखो थोड़ा सा टाइम और लगेगा उन चीज़ों को मंगाने में, इस बाइक के अंदर ऐड करने में। बाकी अगर आप बोलते हो तो जब मैं इस बाइक को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मॉडिफाई करते टाइम की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। अदरवाइज़ नहीं करेंगे, फिर मॉडिफाई करने के बाद ही अपन इस वीडियो को अपलोड करेंगे बाइक के बारे में। तो अभी बात करते हैं सर्विस सेंटर के बारे में। मैं जब भी अपनी बाइक को सर्विस सेंटर लेकर जाता हूँ खास तौर से सर्विस करवाने, तो वहाँ पर मुझे एक दिक्कत हमेशा नज़र आई है। पता है क्या है, बाइक को वॉश अच्छे से कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं अच्छे से, लेकिन दो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आती है उनकी, सर्विस वगैरह इंजन ऑयल वगैरह सब बढ़िया है, फिल्टर वगैरह सब सही से सब बढ़िया है, लेकिन दो चीज़ें जो मुझे हमेशा से पसंद नहीं आई टीवीएस की, एक चीज़ तो वो कि कभी कभी वो ऐसी जगह पॉलिश कर देते हैं यार बाइक के अंदर, उनको 10 बार मना कर देता हूँ यार भैया मत करना मत करना, बाइक को देने से पहले 10 बार बोलता हूँ उनको कि यहाँ पर जैसे ग्रिप्स हो गई अपनी, लीवर्स हो गए, उसके अलावा फुट रेस्ट हो गए उनके नीचे वाली साइड पर सीट के ऊपर, तो कुछ कुछ जगह ऐसी जहाँ पर पॉलिश नहीं चाहिए। उनका रीज़न ये है कि अगर मैं बाइक को बाहर ले जाकर चला रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी पुरानी हैबिट है उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता और जो मुझे थोड़ा इरिटेट भी करता है, और यहाँ पर पॉलिश करनी भी नहीं चाहिए भैया। लेकिन सेकंड जो रीज़न है वो बहुत ही बड़ा रीज़न है। अभी सबसे पहले इस बाइक की चैन देखो एक बार, आप देख रहे हो
आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने चैन के अंदर काला तेल डाल दिया है या फिर कोई गंदा तेल, जो कि कभी कभी बाइक के इंजन से निकलता है, तो वो अपन मैक्सिमम टाइम 100 cc की बाइक में या फिर उन बाइकों के अंदर यूज़ कर लेते हैं जिनका एक प्रॉपर चैन कवर होता है, क्योंकि चैन कवर के अंदर ना मिट्टी नहीं जाती, डस्ट नहीं जाती है, तो गंदगी नहीं जाती वहाँ पर, अपन फिर भी उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन चैन होती है, जैसे कि इस बाइक की अपाची के अंदर आती है और नॉर्मली सभी स्पोर्ट बाइकों के अंदर ऐसे ओपन चैन ही आती है, वहाँ पर ऑयल यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चैन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक जाती है यहाँ पर, देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बाइक। मैं लगभग जब भी सर्विस करवा के लाता हूँ तो 10 से 15 दिन बाद इसको खोल के ज़रूर साफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकी हुई मिलेगी उसके अंदर इतनी। भैया एक दिन तो मैंने वेट किया था, प्रॉपर 130 या 135 ग्राम मिट्टी चिपकी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। देखो जब भी मेरी बाइक गंदी हो जाती है ना तो मेरा बड़ा मूड ख़राब हो जाता है, तो मैं साफ़ कर लेता हूँ अपनी टाइम पर। अभी थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी गंदी है, लेकिन वैसे नॉर्मली बहुत क्लीन रहती है। लेकिन एक जगह से मेरी बाइक, ये जो रेडर है ना, मेरी रेडर कभी साफ़ नहीं रह पाई, वो है ये चैन वाला पार्ट, और इसके अलावा इसके ऊपर कवर लग रहा है, ये साइड स्टैंड हो गया, नीचे वाला जो पार्ट हो गया, जो नीचे चेसी का जो हिस्सा है ना, तो यहाँ पर इन चीज़ों में या फिर इस साइड भी जहाँ जहाँ पर ये ऑयल या फिर ल्यूब जाता है ना, वहाँ वहाँ से हमेशा से मेरी बाइक गंदी रही है। बस ये एक ही वजह है कि जो TVS वाले चैन ल्यूब करते हैं ना, वो या तो चैन ल्यूब बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, या फिर वो पीछे से भैया तेल वगैरह डाल देते हैं। तो ये चीज़ भैया इतनी बार बोल चुका हूँ, मैं ये भी बोल देता हूँ कि यार मेरी बाइक को चैन ल्यूब मत करना, सर्विस करवाने जाता हूँ तब, लेकिन फिर भी यार ल्यूब कर देते हैं भैया। मुझे ल्यूब करवाना नहीं है आप लोगों से यार, मैं घर पे खुद कर लूँगा, मेरे पास अच्छे से ल्यूब पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं भैया। जब मैं मना कर रहा हूँ नहीं करना, तो यार ये कौन सी बात हो गई। और ये एक सर्विस सेंटर की बात नहीं है, मैं लगभग 3 शोरूम में अभी तक सर्विस करवा चुका हूँ इस बाइक की, 3 शोरूम में मुझे वही सेम प्रॉब्लम हुई है। तो चैन ल्यूब अच्छी क्वालिटी का ज़रूर होना चाहिए यार। कभी कभी एक दिक्कत और आती है बाइक के अंदर, जो इसकी क्लच लीवर है ना, मतलब ये जो क्लच है, इसका जो ये वायर जा रहा है ना इधर की साइड से, आप देख सकते हो, तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है इस बाइक का। अभी ये पता नहीं 3रा या 4था है, कौन सा या फिर 5वां है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कभी भी टूट जाता है यार। ये सही होना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस बाइक का एक बार ये जो सेंसर है ना, जो अपना इसके ऊपर आता है ऑक्सीजन सेंसर, ये भी ख़राब हो गया था, जो कि वारंटी में चेंज हो गया, खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन सर्विस सेंटर जाना पड़ता है ना। और भी एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि इसका जो साइड स्टैंड वाला, जो साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच आता है ना, जो जैसे अपनी बाइक का अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गियर के अंदर आप अपनी बाइक को चला नहीं सकते हो, ले जा नहीं सकते हो गियर के अंदर, तो इस बाइक का साइड स्टैंड हटाने के बाद भी वो काम करता था कभी कभी, अभी नहीं कर रहा है, पता नहीं वो अपने आप काम करने लगा। फिर एक दो सर्विस सेंटर दिखाया, 2-3 बार दिखाया था, जब जाके सही हुआ है, फिर उसके बाद इसने काम करना छोड़ दिया। अभी भैया सही काम कर रहा है, जब साइड स्टैंड लगा रहेगा तो ही काम करेगा, ऊपर रहेगा तब काम नहीं करता है, रोड के बीच में खड़ी कर देता था बाइक को कभी कभी, तो उसी से दिक्कत आती थी। वैसे ही जो अभी तक मुझे जो प्रॉब्लम हुई है ना बाइक के अंदर, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेनली प्रॉब्लम की बात कि अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, अभी तक क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो चीज़ों की बात मैंने उस वीडियो में डिटेल से कर रखी है। इसके अलावा एक चीज़ और कि इस बाइक की मैं माइलेज हिस्ट्री अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मोड्स में कर लूँगा, मॉडिफाई में कर लूँगा, तो उसके बाद माइलेज तो ड्रॉप हो ही जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले एक माइलेज टेस्ट अपलोड कर दूँ बनाकर, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि भैया इतनी पुरानी होने के बाद भी क्या वही सेम माइलेज दे रही है, पर दिखाओ तो क्या माइलेज दे रही, तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। बाइक इसलिए पसंद है मुझे आज भी कि ये जो चीज़ें ऑफर करती है ना अपने सेगमेंट में, चाहे फीचर्स हो, चाहे कम्फर्ट हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे माइलेज हो, ये बहुत ही मेन पॉइंट्स है यार। मतलब माइलेज अच्छी होनी चाहिए बाइक की, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, कम्फर्ट अच्छा होना चाहिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, ये बहुत ही बड़े पॉइंट है अपने आप में, जो कि अगर बहुत ही बढ़िया है ना किसी बाइक के अंदर तो वो बाइक अच्छी है, अगर छोटी मोटी फीचर्स या छोटी मोटी कमियां है बाइक के अंदर तो वो इग्नोर करी जा सकती है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट बहुत ही मैन है। अगर कोई 5वां पॉइंट मैन होगा तो वो रहेगी प्राइस, और प्राइस भी बाइक की बहुत ही कम है, अपनी जो चीज़ें हैं ये ऑफर करती है उन सब चीज़ों के हिसाब से, तो बाइक से ओवरऑल मुझे बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, छोटी छोटी शिकायत और छोटी शिकायत सर्विस सेंटर से है, अगर वो सुधर जाए तो भैया बहुत ही बढ़िया। इस वजह से मैंने इस वीडियो में इतना एक्सप्लेन किया है, मैंने कोशिश की अपनी साइड से कि ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ इस बाइक के बारे में, अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ मैं बता नहीं पाया हूँ, जो मैं भूल गया हूँ प्रेजेंट टाइम पर, तो उसके लिए माफ़ कर देना, मुझे कमेंट करके पूछ लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, स्टोरी डालकर टैग कर देना, तो वहाँ से आप लोगों की भी हेल्प हो जाती है और मेरी भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि यार लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कंटेंट हमें बनाना है, तो हर चीज़ की हेल्प, तो आपकी भी हेल्प, मेरी भी हेल्प हो जाती है। मेरी हेल्प इसलिए हो जाती है क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि यार नॉर्मली सभी लोगों के पास जो रेडर है, जो रेडर ऑन करते हैं, उनके पास क्या दिक्कत देखने को मिली है, क्या नहीं मिली है, तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी मुझे ज़रूर बताया करो मेल आई डी पर या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके, जैसे आपकी इच्छा है। तो बाकी इस वीडियो में सब कुछ, तो वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाय बाय टाटा, टेक केयर।